हेलो गाइस, देखो आज मैं नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मट्ठे के आलू। अभी मैंने आलू छीन लिए हैं, अब मैं इनको फोड़ रही हूँ। फोड़ के तब मैं आपको दिखाऊंगी। और मट्ठे के आलू किसे किसे पसंद है वो हमारे कमेंट में बताना दोस्तों। अब मैंने कहा मट्ठे के आलू बनाने, इसकी वजह से मैं मट्ठे के आलू बना रही हूँ गाइस। मैं दिखा रही हूँ आपको। मट्ठे के आलू मैं थोड़ी देर मिलती हूँ, ये सब तैयार कर लो, तब मैं मट्ठे के आलू आपको छोंकते हुए दिखाऊंगी। अब मैं जीरा डाल रही हूँ, ये जीरा डाल दिया। अब मैंने जीरा डाल दिया, अब मैं इसे थोड़ा गर्म हो जाए तो उसके बाद हल्दी डालूंगी। हल्दी डाल के तब आलू डालूंगी। अभी थोड़ा उड़ने दो, अब मैं आलू डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, आलू डालूंगी, अभी हल्दी डालूंगी, दिखा रही हूँ मैं। अब हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी डाल दी है, हल्दी डाल दी, अब थोड़ा भून जाए हल्दी। पानी डाल दिया है, अब मैं डालूंगी मठा। अब मठा तो गांव में तो बाहर का होता है, यहाँ तो ये है पैकेट वाले, तो ये डाल रही हूँ। गांव में कुछ ज्यादा ही टेस्ट अच्छा आता है, और यहाँ तो मजबूरी है, इसके वजह से ये वाला मठा ला रही हूँ पैकेट वाला। ये वाला डाल रही हूँ, ये देखो मठा डाल दिया मैंने, दो पैकेट लाई हूँ, थोड़े खट्टे हो जाए तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसके वजह से। एक और पैकेट है भी मट्ठे का, एक और पैकेट डाल दी हूँ। एक और पैकेट डाल दिया मट्ठे का। अब मैं डालूंगी इसमें मिर्चा, अब मैं मिर्चा डाल रही हूँ, मिर्चा डाल दी है, थोड़ी सॉल्ट डाल रही हूँ, देखो ये मिर्चा डाल दी। अब मैं इसको चलाऊंगी, चलाऊंगी नहीं तो फट जाएंगे मट्ठे के आलू, इसलिए मैं चला रही हूँ। देखो हमारे मट्ठा के आलू भी बन रहे हैं, देखो मट्ठे के आलू बना रही हूँ, ये बन रहे हैं मट्ठा के आलू। और चावल बनाऊंगी और थोड़ी रोटी बनाएंगे, जो नहीं खा रहा उनके लिए रोटी, चावल नहीं खाते, और जो चावल खाएंगे वो चावल खा लेंगे। हमें तो मट्ठे के आलू चावल बहुत पसंद है, मैंने आलू पहले से उबाल के रखे थे, वो मैंने आपको दिखा नहीं पाए। अब मैं मट्ठे के आलू बना रही हूँ, वह मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं धनिया डाल रही हूँ, देखो धनिया डाल दिया, अब मैं दिखा रही हूँ आपको मट्ठे के आलू। मट्ठे के आलू किसे किसे पसंद है हमारे कमेंट में बताना, कौन कौन खाता है मट्ठे के आलू। अब हमारे मट्ठे के आलू बन गए हैं दोस्तों, हमारा चैनल पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोस्तों, कोई गलती हो तो माफ करना।